बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आडियो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री, कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 23 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में कंसिडर किया जाता है, तो इस टॉपिक का नेम है मॉडिफाइड आयलर मेथड, या फिर इसका एन अदर नेम ट्रेपेज़ॉइड मेथड भी होता है, या फिर आप इसे एन अदर नेम इम्प्लिसिट आयलर मॉडिफाइड मेथड भी कह सकते हो, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आयलर मेथड। ठीक है, तो ये टोटल 3 जो नेम्स हैं ये आपने अपने माइंड में रखने हैं एमसीक्यूज़ के वाले से, कि मॉडिफाइड आयलर मेथड को आप ट्रेपेज़ॉइड मेथड भी कहते हैं और इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आयलर मेथड भी कहते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मॉडिफाइड आयलर मेथड, जिसे ट्रेपेज़ॉइड मेथड या इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आयलर मेथड कहते हैं, इसको हम स्टेट एंड प्रूफ अंडरस्टैंड करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इसको स्टेटमेंट और इसके रिजल्ट जो प्रूफ हैं उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो जो इसकी स्टेटमेंट है वो लास्ट पे जो मैंने प्रेडिक्टर करेक्ट स्टेप के रिजल्ट लिखे हैं वो, और साथ में जो इसका हमने एक कम्प्लीट रिजल्ट ड्राइव करना है वो आपने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पे ही मैंशन कर देना है। ठीक है, वो आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी। जैसे प्रीवियस मैंने आपको इम्प्लिसिट आयलर मेथड का प्रूफ करवाया था, उसमें भी आपने स्टेटमेंट लिखी, तो इसमें भी आपने ऐसे ही स्टेटमेंट को राइट करना होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पे, फिर उसके बाद आपने प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं आरडी स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग पे आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को राइट करना होता है। कंसीडर हमने करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से, इट्स मीन IVP, कंसीडर एन इनिशियल वैल्यू एंड प्रॉब्लम। इसके लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये होती है, हमने जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस किए एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए या रिजल्ट को प्रूफ किया, तो स्टार्टिंग पे ही हमारा ये टास्क होता है कि हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वाई फंक्शन का, वो हमने लिखना होता है DY/DX इक्वल है कैपिटल F(x, y)। ये हमारे पास फंक्शन होगा, और इसके लिए जो इनिशियल कंडीशन है, जो इसके लिए आपको पॉइंट दिया गया है, y(x)≠ y0 है, यानी कि स्टार्टिंग x0 पे ही उसका जो रिजल्ट आता है, इमेज आता है, वो y0 होगा। तो y(x)≠y0 इसको हम यूज़ करेंगे आगे। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन बन चुकी है, तो ये आपके पास फर्स्ट जो लाइन है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसको हमने कह दिया कोई नंबर 1। उसके बाद फर्दर हमने अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, यानी हमारा मॉडिफाइड आयलर मेथड है, ट्रेपेज़ॉइड मेथड भी कहते हैं, तो इसके लिए ट्रेपेज़ॉइड रूल अप्लाई होगा, क्योंकि इसके नेम से ही एक बात समझ में आती है कि मॉडिफाइड आयलर मेथड को आप ट्रेपेज़ॉइड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेज़ॉइड मेथड पे फिर ऑब्वियसली आपके पास ट्रेपेज़ॉइड रूल ज़रूर अप्लाई होगा, और ट्रेपेज़ॉइड रूल जो है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर जब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट टॉपिक ही आपका ट्रेपेज़ॉइड रूल से स्टार्ट होगा। तो इंशाल्लाह इसका बकायदा हम एप्लीकेशन की तरफ भी जाएंगे ट्रेपेज़ॉइड रूल की तरफ जब हम स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेपेज़ॉइड मेथड को प्रूव करने के लिए हमें ट्रेपेज़ॉइड रूल के फॉर्मूले का आना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपने माइंड में रखना है और ओरली आपने अप्लाई करना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे राइट किया है, बाय यूजिंग ट्रेपेज़ॉइड रूल फॉर या ऑफ n=1, ट्रेपेज़ॉइड रूल आपने n=1 के लिए अप्लाई करना होता है, और ये ऑलवेज ट्रेपेज़ॉइड रूल n=1 के लिए ही होल्ड होता है। ठीक है, हमेशा ट्रेपेज़ॉइड रूल की वैल्यू n=1 ही होती है फॉर ऑल टर्म्स। ठीक है, हर जगह पर n=1 ट्रेपेज़ॉइड रूल ही होगा, ये भी ऐसे क्योंकि वाले से पूछा जा सकता है। वी हैव, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डेफिनेट इंटीग्रल लोअर लिमिट a अपर लिमिट x f(x)(dx) इक्वल होगा x-a/2 ब्रेकेट स्टार्ट f(a) स्मॉल f फंक्शन यूज़ करना है f(a+f(x)। ये जो आपके पास ये कंप्लीट रिजल्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ नोन एज ट्रेपेज़ॉइड रूल ऑफ n=1। ठीक है, ये मैंने राइट भी किया कि आपने इसको ओरली माइंड में रखना है। उसके बाद ऑनवर्ड हमने इस पर अप्लाई करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। इफ़ जो स्मॉल f फंक्शन है इज़ डिफरेंशिएबल, देन अगर ये हमारे पास ट्रेपेज़ॉइड रूल जो है ये f फंक्शन के लिहाज से डिफरेंशिएबल अगर है, तो फिर हम इस पे जो फंक्शन ये इंक्लूड हो रही हैं f(x) और f(a) और f(x), इन पे आप इस पे डिफरेंशिएबल यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। मैंने यही अप्लाई किया हुआ है, ये जो f(x) फंक्शन है इस पे हमने इसका डिफरेंशिएबल लिया यानी f'(x)
एफ ओफ ए पे हमने डिफरेंशियल अप्लाई किया तो एफ डैश ऑफ ए, एफ ओफ एक्स पे डिफरेंशियल अप्लाई किया तो ये एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये आपका स्टेप बन गया डेफिनेट इंटीग्रल ए टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल है एक्स माइनस ए ओवर टू ब्रेकेट स्टार्ट एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने ट्रेपेज़ॉइडल रूल पे डिफरेंशियबिलिटी को होल्ड करवा दिया। ऑनवर्ड हमने अब कैलकुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में हमने फंडामेंटल थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया हुआ है कि जब डिफरेंशियबिलिटी आप होल्ड कर देते हो उस पर आप इंटेग्रेबल फंक्शन को अप्लाई करते हो तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाता है, तो ओनली ऑन आपका यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स रह जाएगा और जो इसकी लिमिट्स होंगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप राइट कर दोगे, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल ए टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स लिमिट ए टू एक्स, यानी कि लोअर लिमिट ए अपर लिमिट एक्स। तो वही मैंने ऑनवर्ड स्टेप किया हुआ है। जस्ट आपने ये लेफ्ट हैंड साइड पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को अप्लाई करना है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और जो इसकी लिमिट्स हैं ये आ जाएगी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है अपर लिमिट यानी कि एक्स की जगह ये जो एक्स आ रहा है इसकी जगह आपने अपर लिमिट अप्लाई करनी है तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया। फिर माइनस लोअर लिमिट आपने एक्स की जगह लोअर लिमिट ए पुट करनी है तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए इक्वल हो गया राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज एक्स माइनस ए ओवर टू इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है ये जो एफ ऑफ ए नेगेटिव आ रहा है इसको आपने पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे मूव करवा देना है तो ये आपके पास जब दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, ये देख सकते हैं प्लस एफ ऑफ ए लिखा हुआ है और बाकी स्टेप आपका कंप्लीट एज इट इज़ है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए ओवर टू एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए ब्रैकेट में क्लोज, इसको हमने कह दिया क्वेरी नंबर टू। अब हम यहाँ से अपनी स्कीम को ऑनवर्ड फॉलो करने लगे हैं। दिस फॉर्मुलेशन इनेबल्स अस टू सुजेस्ट दी फॉलोइंग स्कीम, ये जो हमें इक्वेशन टू इस बात की निशानदेही कर रही है कि आगे हमें अपने रिजल्ट्स को फुलफिल करवाने के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरफ जाना होगा। तो हमारी जो अगली गुफ्तगु है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से कनेक्टेड होगी और अब हम इस फॉर्मूले से यानी ये जो स्कीम इक्वेशन नंबर टू बन चुकी है इससे हम अपने आगे ऑनवर्ड स्टेप को मूव करवाने लगे हैं जो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से अटैच्ड होगा और ऑनवर्ड हमने इनके जो अप्रोक्सीमेशन होंगी वो अपने रिजल्ट्स को जनरेट करना है। ठीक है, अब हम क्वेरी नंबर टू से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी कि वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट को यहाँ पर ऑपरेट करवाएंगे और ये क्वेरी नंबर टू को हम इस अंदाज में कन्वर्ट करेंगे कि आपका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उसमें एडजस्टेबल हो सके। तो ये देखिएगा, ये है हमारे पास फॉर गिवन y ऑफ x नॉट यानी बात को कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशन होती है वो आपके पास ये हमने स्टार्टिंग पे ही कंसीडर की हुई है y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, ये हमारे पास IVP की कंडीशन होती है। तो फिर जब आपने कहा कि y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट फिर हमें क्या फाइंड करना होता है y सबस्क्रिप्ट n प्लस 1, इसको हमने क्वेश्चन मार्क करना होता है यानी कि फाइंड आउट करना होता है। तो y n प्लस 1 एज ये हो जाएगा यानी जो आपके पास क्वेरी नंबर 2 है ना उसमें आपने यहाँ पर x देखें यहाँ पे आपके पास ये था एफ ऑफ एक्स ये वाला है ये जो x होगा इसको आपने x n प्लस 1 में कन्वर्ट कर देना है मतलब रिप्लेस कर देंगे x सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 और जो ये स्मॉल a होगा इसको आपने x सबस्क्रिप्ट n में रिप्लेस कर देना है यानी x n और यहाँ पर भी ऐसे ही x यानी जहाँ जहाँ आपके पास ये स्मॉल x आ रही है ना वहाँ पर आपने x सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 में रिप्लेसमेंट कर देनी है। ये देखें यहाँ पे स्मॉल x आ रहा है ये स्मॉल x आ रहा है और ये स्मॉल x आ रहा है ठीक है इनकी जगह आपने क्या रिप्लेसमेंट करनी है x सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 और ये देखें स्मॉल a आ रहा है ये वाला और ये थ्री टाइम्स स्मॉल a आ रहे हैं इनकी जगह आ जाएगा x सबस्क्रिप्ट n। तो ये आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कोई ये टू जो स्कीम है वो आपकी ऐसे बन जाएगी एफ ऑफ ये x की जगह x सब्सक्रिप्ट n प्लस 1 इक्वल एफ ऑफ a की जगह x n प्लस यहाँ पर x था और यहाँ पे माइनस a था तो ये बन गया x सब्सक्रिप्ट n प्लस 1 माइनस x n ओवर 2 और ब्रैकेट स्टार्ट f डैश ऑफ यहाँ पर a था f डैश ऑफ a यानी कि f डैश ऑफ x n प्लस f डैश ऑफ यहाँ पर x था तो ये आ गया x सब्सक्रिप्ट n प्लस 1। तो ये स्कीम 2 को मैंने ऐसे राइट कर दिया है यानी कि अप्रोक्सीमेशन फॉर्म में जिसमें ये हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिस्कस किया जा रहा है। अब हमने ये जो है ना x सबस्क्रिप्ट n प्लस 1 माइनस x n ये एक्चुअली आपके पास स्टेप साइज है, अगर आप यहाँ पर
वैल्यू पुट करें एन की जीरो तो ये आएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो ये रियल फ्यूरियर लिहाज से कंजेक्टिव टू आपके पास रियल फील्ड्स की वैल्यूज़ हैं या पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको इक्वी स्पेस डाटा मिल रहा होता है। ठीक है, अगर आप एन की वैल्यू वन पुट करती हैं तो ये आपके पास आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है ना। तो ये एच को होल्ड करेगा, यहाँ पर ये इनेबल्स करता है एच को, जो कि इक्वी स्पेस्ड होगा। तो हम फिर कह सकते हैं एच इज इक्वल एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, यानी ये मैंने लिख दिया एच डिवाइड बाई टू। तो ये कंप्लीट आपका रिजल्ट एज इट इज ही है, जस्ट मैंने एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन को ये एच के अंदर कन्वर्ट कर दिया है और बाकी रिजल्ट एज इट इज़ आ गया। ऑनवर्ड हमने अब ये करना है कि ये जो आपके पास फंक्शन एफ ओफ एक्स है ना, उनको आपने वाई फंक्शन में इंटरचेंज कर देना है। हमें मालूम है कि एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, क्योंकि एक्स पे जब भी आप फंक्शन अप्लाई करते हो, यानी कि एक्स पे फंक्शन एफ अप्लाई किया तो आपके पास वाई आंसर आता होता है। ठीक है, तो फिर हम एफ ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन को लिख सकते हैं वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल, ऐसे ही हमने इस फंक्शन को भी वाई में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा वाई एन प्लस एच बाई टू एज इट इज़। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स एन को लिख सकते हैं वाई डैश एन प्लस एफ डैश ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन को लिख सकते हैं वाई डैश एन प्लस वन। ये जो आपके पास ये रिजल्ट बन चुका है, दिस इज़ नोन एज मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, ठीक है, या फिर आप इसे इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आइलर मेथड भी कह सकते हैं या फिर ट्रिपजाइड मेथड भी कह सकते हैं। अच्छा, इस बात को हम कुछ यूं भी ले सकते हैं, ये जो आपके पास वाई डैश आ रहा है तो इसको आप कैपिटल एफ में भी लिख सकते हो, ठीक है, कैपिटल एफ इंटू एक्स कॉमा वाई की फॉर्म है। ऐसे ही वाई डैश को, इसको भी आप लिख सकते हैं कैपिटल एफ इंटू एक्स कॉमा वाई। तो वही मैंने ऑनवर्ड राइट किया हुआ है। और वी कैन आल्सो राइट एज y सब्सक्रिप्ट n प्लस वन इक्वल वाई एन प्लस एच बाई टू ब्रेकेट स्टार्ट y डैश n को हम ले सकते हैं कैपिटल f इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन, यानी x को हमने एक्स एन और y को वाई एन में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपके पास सब्सक्रिप्ट y डैश के सब्सक्रिप्ट में n आ रहा है, इसलिए आपने एक्स एन लिखा और वाई एन लिखा, ठीक है। प्लस ये वाला आपका प्लस फॉर्मूला एज इट इज़ है, y डैश सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन को हम ले सकते हैं कैपिटल एफ इंटू एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन कॉमा वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन। अब इसे हमने कह देना क्वेरी नंबर थ्री। ये जो क्वेरी नंबर थ्री है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, या फिर इसे हम कह सकते हैं ओनली ऑन मॉडिफाइड आइलर मेथड, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो ट्रेपजॉइड मेथड, ठीक है। तो ये अब जो क्वेश्चन थ्री है, हमने यहाँ से अब अपना प्रिडिक्टर और करेक्ट स्टेप शो करवाना है। अच्छा, स्टेटमेंट में आपने स्टार्टिंग पे ये लिखना है, ये जो आपके पास स्कीम नंबर थ्री बन चुकी है, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यानी कि वाई की फॉर्म जो वाई डैश की फॉर्म में है, यानी यहाँ से आपने ये जो कम्प्लीट सर्कल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने स्टार्टिंग पे लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद जो मैंने लास्ट पे प्रिडिक्टर और प्रेडिक्टर स्टेप के दो स्टेप लिखे होंगे, वो आपने स्टेटमेंट में लिखने होंगे, ठीक है, ये लिखने के बाद, तो फिर ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ मॉडिफाइड आइलर मेथड आर ट्रिपजॉइड मेथड आर इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आइलर मेथड, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम स्कीम थ्री को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, मज़ीद प्यूरीफाई करने के लिए। टू इम्प्लीमेंट द अबव स्कीम थ्री कैन बी रिटन एज स्कीम थ्री, यानी कि जो आपके पास इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आइलर मेथड है, इसको हम प्रिडिक्टर स्टेप में कुछ यूं भी ले सकते हैं। फॉर गिवन जो आपके पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन है वो कुछ ऐसे है कि वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है। फिर यहाँ से हमने जब लिख दिया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये है, तो फिर हमें फाइंड करना होता है वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन। ये देखिए, मैंने सर्कल भी लगाया हुआ है, यहाँ पर आपके पास वाई एन प्लस वन आ रहा है। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पर भी वाई एन प्लस वन है और राइट हैंड साइड में भी वाई एन प्लस वन है, तो एट अ टाइम बोथ प्लेसेस पे आप इनकी अप्रोक्सीमेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पास n की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो यहाँ पे आपको y1 मिलेगा,
और राइट हैंड साइड में भी आपको वाई वन ही मिलेगा, एन की वैल्यू जीरो रखी तो वाई वन आ गया, ठीक है ना। तो एट अ टाइम जब आपको अप्रोक्सीमेशन परफॉर्म करना होगी तो आप जब ये वाई वन लिखा होगा तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, फिर इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ से वाई वन रिमूव नहीं होगा, तो आपको वाई एन प्लस वन को यहाँ से डिस्क्लूड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से डिस्क्लूड करवाने के लिए फिर हमें एक ही बात माइंड में आती है कि हमें प्रेडिक्टर करेक्टर स्टेप की बात को फॉलो करना होगा, हमें उस बात को मानना होगा कि प्रेडिक्टर करेक्टर स्टेप से ही हम अपनी अप्रोक्सीमेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा अप्रोक्सीमेशन को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सही है, ये जो मैंने लेड पेंसिल से सर्कल आउट किया है इससे हमें प्रेडिक्टर करेक्टर स्टेप यानी कि टू स्टेप क्राइटेरिया मेथड को फॉलो करना होगा, यही मैंने यहाँ पे राइट किया है, ये लिख दिया है मैंने। टू इम्प्लीमेंट दी अबव स्कीम थ्री कैन बी रिटन एज फॉर गिवन वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, यहाँ से फाइंड करना है वाई सबस्क्रिप्ट एन प्लस वन एज, ये आपके पास जो फर्स्ट लाइन है ये है प्रेडिक्टर स्टेप, और ये जो सेकंड लाइन लिखी हुई है ये आपके पास है जी करेक्टर स्टेप। तो जो प्रेडिक्टर स्टेप है वो ऑलवेज आपका आयलर मेथड ही होता है, इट्स मीन यू एन इक्वल वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, एफ इसमें कैपिटल होगा यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के लिहाज से जो गया आपको गिवन क्वेश्चन में होता है, तो यू एन इक्वल वाई एन प्लस एच एफ इंटू एक्स एन कॉमा वाई एन, ये आपका प्रेडिक्टर स्टेप होगा जो कि आइलर्स की निशानदेही कर रहा होता है, आइलर मेथड की निशानदेही कर रहा होता है। और जो आपका करेक्टर स्टेप है ये कैसे बनाना है ये ज़रा गौर करिएगा, ये हमने फॉलो करना है अपने मॉडिफाइड आइलर मेथड को, यानी मॉडिफाइड आइलर मेथड जो आपके पास स्कीम थ्री है उसमें जो स्टेप साइज एच है उसके डिवाइड में टू आ रहा है, ठीक है, जो अभी हम कर रहे हैं इसमें 21 पेज डेटा जो एच है इसके डिवाइड में टू आ रहा है, तो हमने करेक्टर स्टेप में भी टू लेके आना है, ठीक है, ये हमारा इस बात की टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है। वाई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन इक्वल होगा वाई एन प्लस एच बाय टू, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि स्कीम थ्री को हमने देख के बनाया है, ये देखें ये स्कीम थ्री से मैंने लेड पेंसिल को ये लेके आ रहा हूँ और ये स्कीम थ्री को मैं यहाँ पर करेक्टर के तरफ लेके यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो स्कीम थ्री को देखकर आपने अपना ये करेक्टर स्टेप को क्रिएट करना होगा, y n प्लस वन इक्वल वाई एन प्लस स्कीम थ्री में h बाई टू है तो हमने करेक्टर स्टेप में भी h बाई टू ही लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल f इंटू एक्स एन कोमा वाई एन, ठीक है, उसमें भी कैपिटल f इंटू एक्स एन कोमा वाई एन ही है, प्लस f इंटू एक्स सब्सक्रिप्ट n प्लस वन उसमें भी यही है कोमा, उसमें यहाँ पर स्कीम थ्री के अंदर यहाँ पर आता है y सब्सक्रिप्ट n प्लस वन, हमने ये y n प्लस वन नहीं लिखना, हमने फिर यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमने प्रेडिक्टर स्टेप की वैल्यू लिखनी है वाई एन प्लस वन की जगह, ठीक है, फिर वाई एन प्लस वन डिस्क्लूड हो गया और ये किस में चला गया यू एन में, इट्स मीन यू एन क्या है, यू एन आपका है प्रेडिक्टर स्टेप जो कि आपने करेक्टर स्टेप से पहले फाइंड करना है। जब आप प्रेडिक्टर स्टेप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यू एन का आंसर मिल जाएगा, फिर इस यू एन को आपने करेक्टर स्टेप में यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है, करेक्टर स्टेप के लिए जो लास्ट पे वाई एन प्लस वन की जगह हमने डिस्क्लूड करके लिखा है यू एन, तो ऐसे ही आपका करेक्टर स्टेप क्रिएट हो गया। ये हमने मज़ीद अपने इम्प्लीसिट आइलर मेथड को इम्प्यूरीफाई किया है और ये जो हमारा रिजल्ट आज का बन गया है, यानी ये प्रेडिक्टर और करेक्टर ये दोनों स्टेप को कंबाइन करके आप कहते होते हो टू स्टेप क्राइटेरिया मेथड, या फिर आप ऐसे कहते हैं प्रेडिक्टर करेक्टर स्टेप क्राइटेरिया मेथड, ठीक है, और ये दोनों कंबाइन करके आपके कहलाते हैं, इसे आप कहते हो मॉडिफाइड आइलर मेथड या फिर ट्रिप्जाइड मेथड या फिर मॉडिफाइड इम्प्लिसिट मॉडिफाइड आइलर मेथड, यानी ये आप इसे नेम देते हो। तो यहाँ पर n क्या है, वेयर n इज इक्वल 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है, 0 इसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी, 1 इसमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, 2 इसमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ऐसे ही अगर 3 होगा तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये लास्ट पे मैंने इसको नेम बताया हुआ है कि ये जो आपके पास टू स्टेप्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टू स्टेप मॉडिफाइड आइलर्स मेथड फॉर्मूला। होपफुली आर डिस्टेंस आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
आज हम अपने लेक्चर को जो कर रहे थे स्टेट एंड प्रूफ कर रहे थे, ठीक है, इसका जस्ट प्रूफ आज के लेक्चर से कनेक्टेड था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉडिफाइड आर्ले मेथड, जिसे ट्रैपेज़ॉइड मेथड कहते हैं, इनकी एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। और जो आज के लेक्चर में टू स्टेप क्राइटेरिया मेथड, ये आपको मेंशनलाइज करवाया गया है, यानी प्रेडिक्टर है और करेक्टर, इसको आप सभी स्टूडेंट ने याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।